बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, फलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों बरनो हक सूरत अबलो कही न की न, ए झूठी देह क्यों रहे सुनते ये वर्णन, सुनते ये वर्णन, वर्णन आशिक कर न सके। यह प्रकरण है महामती जी के स्वरों में उद्भूत श्रृंगार कलश तीन श्रृंगार वर्णन विरहारस। विरह के भाव में श्रृंगार के कलश का वर्णन। कलश का तात्पर्य क्या है? जो मुकुट के समान सुशोभित हो रहा हो। अब तक वर्णन किया जा रहा था, लेकिन श्रृंगार का यह प्रकरण कुछ विशेष है। हम माया के संसार में बैठकर विरह के भाव में उस प्राणेश्वर की छवि को देखें, इन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए ये प्रकरण अवतरित हुआ है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, क्यों बरनो हक सूरत अबलो कही न किन। जिस संसार में सकार से परे की कोई बात सोची नहीं जाती, निराकार से परे की कोई बात सोची नहीं जाती, साकार और निराकार से परे सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वलीला अद्वैत स्वरूप का निरूपण करना कैसे संभव है? हर कोई जानता है कि परमात्मा अनंत है, उसका धाम अनंत है। प्रश्न यह होता है कि उस अनंत परम धाम में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है या कोई आकृति भी है। यदि मान लें कि आकृति है, तो अकेले आकृति बैठी करती क्या रहती है? चुपचाप मौन व्रत धारण किए रहती है? कुछ तो होगा। सामान्य सी बात है, सृष्टि में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। कालमाया के प्रमाण में हर कण कंपन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत तेजी से भाग रहे हैं। जिस क्षण यह भागना बंद हो जाएगा, उसी क्षण सृष्टि का लय हो जाएगा। वेद में एक बात आती है, चरय वेद, चलते रहो चलते रहो। हम सोचते हैं कि सोए रहे, जब सृष्टि का एक एक कण कंपनशील है, तो आप क्या आशा कर सकते हैं कि परम धाम में मौन व्रत चल रहा होगा? सर्वशक्तिमान अक्षरातीत कोई गूंगा बहरा नहीं है, अंधा नहीं है कि चुपचाप मौन व्रत लेकर के अकेले बैठा होगा। कुछ तो करेगा, प्रेम और आनंद का सागर क्रीड़ा करेगा। उसी क्रीड़ा को, लीला को परिक्रमा में दर्शाया गया है। उसके नख से सिख तक की शोभा को सागर में दर्शाया गया है। हृदय में उमड़ने वाले अनंत सागरों को आठ सागरों में समाहित करके सागर ग्रंथ में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो श्रृंगार में ये दर्शाया गया है कि उसके हृदय में डूबकर हम उसके जैसे कैसे हो जाएं। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसकी कृपा से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है, उसके जैसा बनाने का निर्देश देने वाली यदि कोई वाणी है, तो श्रृंगार की वाणी है। इसलिए इसको कहते हैं महाश्रृंगार।
जिसमें डूबने के बाद जिसके स्वरूप में डूबा जा रहा था, वैसा होने का दावा कोई भी आत्मा कर सकती है। वैसा होने का दावा का तात्पर्य यह नहीं है कि वह भी स्वयं अक्षरातीत बन जाएगी। अक्षरातीत में डूबने के बाद उसका कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता, उसने इस जगत के अस्तित्व को मिटा दिया और लीला रूप में अपने हकीकत के स्वरूप को भी मिटा दिया कि मैं कुछ हूँ, केवल वह है, क्योंकि हमारा स्वरूप भी उसी से प्रकट हुआ है। अब एक बात आती है, जब आप संसार में किसी के सामने कहिए कि सच्चिदानंद परब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप है, तो हर कोई कहेगा क्या आपने देखा है? उसमें चुप हो जाना पड़ता है सुंदर साथ को। आपको अधिकार था देखने का, आपको शोभा थी दिखाने की, ना आपने देखा ना दूसरों को दिखाया, इसलिए तो सिर नीचे करना पड़ रहा है कि हम क्या करें, देखे तो हम है नहीं। हमने चौपाई पढ़कर कह दिया कि हाँ, मुख मेरे महबूब का रंग अतुज्जल गुलाल, किसी प्रवाही से कह देंगे क्या आपने उस सुंदर मुख को देखा है जो आप हमको बता रहे हैं। जब हम अपने कर्तव्य पर आरूढ़ नहीं होंगे तो संसार उंगली उठाएगा, आप इसको रोक नहीं सकते। संसार तो तरस रहा था सच्चिदानंद परब्रह्म का कोई स्वरूप बताए, क्योंकि निराकार प्रकृति से पैदा होने वाली ये सृष्टि जिसमें साकार जगत दिखाई दे रहा है, आज तक किसी ने भी परब्रह्म के स्वरूप के बारे में सोचा भी नहीं। वेद में कहीं यह नहीं लिखा है कि परमात्मा रूप से रहित है या परमात्मा निराकार है। ऐसा स्वरूप वर्णित किया गया है जो मन बुद्धि से परे है। इसलिए वेद में क्या कहा है, नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते, विद्युत के तुल्य कांति वाले हे परब्रह्म तुझे प्रणाम है। अब जिसकी कांति विद्युत के तुल्य होगी उसको क्या रूप नहीं होगा। जब साक्षात्कार करने की बात आती है तो जानते हैं योग साधना करने वाले जब ज्योति का दर्शन देख कर लेते हैं, चाहे वह जीव की ज्योति हो, चाहे मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों के समान जब प्रकाश दिखाई देने लगता है दसवें द्वार में या हृदय में, तो योगी समझ लेता है कि मैंने परमात्मा की ज्योति का दर्शन कर लिया, वही परमात्मा है। प्रश्न यह है कि नख से सिख तक परब्रह्म के ऐसे स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है जिसमें हमें लगे कि हाँ सौंदर्य की यह राशि है। आप देखिए आकाश में इतना प्रकाश फैला हुआ है, सूर्य में इतना तेज है कि हमारी आंखें उसको देखें तो शायद अंधी हो जाए, शायद का निश्चित अंधा हो जाएंगे यदि हमने किसी ऐसे संसाधन का प्रयोग नहीं किया जो सूर्य के तेज को हमारी रेटिना तक पहुंचने से रोक सके, तो आंखें खराब हो जाएंगी। इतने ही सूर्य के तेज को यदि ऐसी मानव आकृति में ढाल दिया जाए, उसके हाथ हों पैर कोमल हों, और सृष्टि पृथ्वी पर जितने फूल हैं उन फूलों की कोमलता भर दी जाए, चंद्रमा की शीतलता भर दी जाए, और एक एक रोम से प्रेम का रस जो गुलाब की पंखुड़ियों का रस होता है वैसा प्रेम का रस टपका दिया जाए, तो अब क्या करेंगे आप? खाना पीना छोड़कर उसको एकटक देखते रहते हैं। बस यही कहानी है परम धाम में अक्षरातीत के युगल स्वरूप की और आपके निज स्वरूप की। यहाँ बुद्धि नहीं चल पाती, बुद्धि से यही कहा जाएगा परमात्मा प्रकाश स्वरूप तो है लेकिन आकृति क्यों धारण करेगा। और जब ये कहा जाता है कि परब्रह्म का ऐसा स्वरूप है तो संसार मानने के लिए तैयार नहीं होता, यही बात कही जा रही है। और तो और संसार की बात छोड़िए, जब राज्य के स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो सुंदर साथ में भी भ्रम होता है, क्या राज्य को देखा जा सकता है? वाणी क्या कहती है, बीतक में स्पष्ट लिखा है आप देखो औरों को दिखाओ। उस चौपाई को हम नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें तर्क एक आता है जो आगे की चौपाई में वर्णित है और जिसके बारे में वाणी कहती है, जो हक देखे टिक्या रहे सोई अर्ज के तन, सोई करे मूल मजकूर सोई करे वर्णन। वर्णन करने वाला कौन है? स्वयं जिसका श्रृंगार वर्णित हो रहा है,
राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी के में भी सामर्थ्य नहीं कि उनके श्रृंगार का वर्णन करे। महामती जी के धाम हृदय में अपने अव्यय स्वरूप से वर्णित होकर वही वर्णित कर रहे हैं। संसारी जीव ने उनका वर्णन नहीं किया, ब्रह्मा विष्णु शिव ने नहीं किया, आदि नारायण ने नहीं किया, सनकादिक सुखदेव ने नहीं किया। तो आप सोचिए, वहदत का स्वरूप, वहदत के स्वरूप की व्याख्या कर रहा है। आग में क्या आग जलती है? आग में लकड़ी तो जल जाएगी, लेकिन आग में आग नहीं जल सकती। उसी तरह से जैसे रात है, सूरज उगता है, अंधेरा समाप्त, छाया है, आप धूप पे खड़े होंगे तो आपकी छाया पड़ेगी। तर्क दिया जाता है कि जब सूरज उगता है, जैसे खुले मैदान में छाया तो होती नहीं, रात्रि का अंधकार मिट जाता है। ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ है? मोह सागर में। और जब ये मोह सागर का जीव ब्रह्म की तरफ देखेगा, जैसे सूर्य के उदय होने के पश्चात छाया का अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह से सामने राज्य आ जाए तो शरीर छूट जाएगा। यही कहकर के सबको डरा दिया जाता है। शिमला में एक पढ़ी हुई बहन थी, मेरा परिचय था, लखनऊ की थी। अब तो उसका विवाह किसी बड़े अधिकारी, सेना के अधिकारी से हो गया। जब मैं चोपड़ा जी में आज से 2004 से पहले साधना में था, वो मिलने के लिए आई, मैंने पूछा कि तुम चितवनी करती हो? उसका उत्तर था, मैं इसलिए नहीं करती कि मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम मरोगी नहीं, और जब मृत्यु आए तो कह देना राजन स्वामी के पास चले जाओ, अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा है कि चितवनी करो। उस भोली भाली बच्ची को डरा दिया गया था कि देखो सूरज उगता है तो छाया चली जाती है, राज्य तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम मर जाओगी, इसे चितवनी मत करो। और उसने नहीं, एक दो ने नहीं, इस विचारधारा से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों ने चितवनी करना बंद कर दिया है। अभी कर भी रहे हैं, वो विचारधारा फैलती भी जा रही है। कुछ लोग उस विचारधारा के चंगुल से निकल भी जा रहे हैं, कुछ नए नए फंस भी जा रहे हैं, और वो विचारधारा तेजी से फैलती जा रही है। उसका एक ही कहना है, जो राज्य को देख लेगा तो जिंदा थोड़ी बचेगा। तो प्रश्न तो ये है कि देवचंद जी ने तो 3 बार दर्शन किया, उनका कभी शरीर नहीं छूटा। श्री जी चर्चा करते हैं, हजारों सुंदर साथ है, 5,000 की संख्या है, कोई नहीं मर रहा है। पूरे बीतक में कहीं वर्णन नहीं आता कि शरीर छूट जाएगा। एक प्रसंग जरूर आता है भाव सिंह का, एक बात समझिए, भाव सिंह ब्रह्मशिष्टि नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कदाचित हमारे ऊपर मोहर तो नहीं लगी है कि हम ब्रह्मशिष्टि हैं, हम जीव सृष्टि भी होंगे और राज्य आ जाएंगे, तो जब भाव सिंह मर सकते हैं तो हम भी मर सकते हैं। क्योंकि जब भाव सिंह से योग माया का तेज नहीं सहन हुआ तो राज्य का तेज कैसे सहन होगा? तो इसमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भाव सिंह ने जिद कर दी थी कि नहीं, कुछ भी हो श्री जी, एक चमत्कार दिखा दीजिए तो मैं औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये जिद भाव सिंह को ले डूबी, क्योंकि भाव सिंह राजा थे और उनके अंदर अभी विरह प्रेम नहीं फूटा था, हृदय निर्विकार नहीं हुआ था। यदि उनके अंदर विरह प्रेम का रस आ गया होता तो भाव सिंह का भी शरीर नहीं छूटता। भाव सिंह का तो क्या, कोरे से कोरे जीव का भी शरीर नहीं छूटेगा। केवल आवश्यकता है प्रेम की, तभी लाओ प्यार करो दीदार की बात कही गई है। बिना प्रेम के दर्शन नहीं हो सकता और बिना विरह के किसी का हृदय निर्मल नहीं होगा। दुख थे विरह इपजे, विरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तमने चे मिलिया। चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। लेवे अपनी मेहर में, हक के हुक्म का तात्पर्य राज्य के आदेश से परम धाम की ब्रह्मवाणी का ज्ञान अवतरित हुआ है। जो सुंदर साथ कोरा से कोरा जीव भी हो,
किंतु उसने मान लिया कि मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ और अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ राज्य की चितवनी करेगा, तो नेक दीदार कब हक उसको भी अवश्य राज्य के स्वरूप की झलक मिल जाएगी, उसको भी राज्य की शोभा का दर्शन हो जाएगा। पर ना दीदार कबू निस्बत का ना कहो को यह न्यामत। निस्बत का तात्पर्य क्या है? सखियों का दर्शन नहीं होगा, श्यामा जी का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकार अक्षर ब्रह्म को जन्म नहीं मिला, अक्षर की चतुष्पाद विभूति को नहीं मिला, ईश्वरी सृष्टि को नहीं मिला, तो जीव सृष्टि को नहीं मिलेगा। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। राजी श्यामा जी का दर्शन नहीं कराएंगे, सखियों का नहीं कराएंगे, बदले आप दिखावत, लेकिन राज्य तो सबके हैं, उन्हें दर्शन देना पड़ेगा। देश का राष्ट्रपति हर व्यक्ति से मिलने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति की पत्नी आप हर व्यक्ति से मिलने के लिए बाध्य नहीं है। जो आनंद का स्वरूप है, निस्बत के स्वरूप है, उनको देखने का अधिकार जीव सृष्टि का नहीं है। ज्ञान दृष्टि से तो देख लिया है, आत्मचक्षुओं से भी देखने का अधिकार नहीं होता है। आप सोचिए, बात कहीं कहीं जाती है और ऐसी विचारधारा, जानते हैं मैंने उस दिन कहा था दृष्टांत देकर, जब पक्षी ने हंसी किया कि बंदर तुमने घोंसला बना लिया होते मेरी तरह तो तुम पानी में नहीं भीगते। जिन्हें न चितवनी करनी है न देखना है तो सोचते हैं कि मैं दूसरों को क्यों देखने दूं, इसलिए विचारधारा चला देते हैं कि हम खाली रहे तो तुम भी खाली रहो। एक तकला तोड़े ताव में पोकट फेरा खाए। एक सखी सोचती है कि मैं जब सूत नहीं कात रही हूं तो दूसरों को क्यों तो कातने दूं, इसलिए उसका तकला तोड़ देती है, खुद घूमती रहेगी, न कातेगी न किसी को कातने देगी। इस विचारधारा के मूल में वही बात है, न हम चितवनी करें न किसी को करने दें, इसलिए डरा दें कि देखो तुम चितवनी करोगे तो राज्य आएंगे सामने तो मर जाएंगे। राज्य क्या यमदूत हैं कि उनके आने पर आप डर जाएंगे? वह तो प्रेम का सागर है, जब वो आएगा तो आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। इतना एक सेकेंड के सौवें भाग के बराबर भी यदि आपको झलक लग जाए तो आप आनंद की मस्ती में इतने डूब जाएंगे कि आपके पैर जमीन पर रहेंगे ही नहीं। ऐसा मत सोचिएगा कि मर करके आप चले जाएंगे, आनंद में इतने मग्न हो जाएंगे। यदि आपको लेने के लिए मौत भी आएगी तो भी भाग जाएगी, ये विश्वास रखिए। ये प्रकरण की चौपाई का संदर्भ उसी विषय में है, वर्णन आशिक न कर सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। आशिक कैसे वर्णन करेगा अपने मासूक की शोभा का? क्योंकि आशिक जब अपने मासूक की शोभा को देखता है तो उसके रूम रूम में मासूक प्रविष्ट किया होता है, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका मन, सब कुछ उसमें डूब जाते हैं, उसका शरीर स्थिर हो जाता है। वर्णन कब तक होता है? एक प्रश्न आता है कि सब सुंदर साथ को राज्य मार्फत का सुख क्यों नहीं देते? आप सोच सकते हैं ये कैसी अवस्था है। यदि महामती जी को भी हमेशा मार्फत की अवस्था नहीं दी जा सकती तो सुंदर साथ कहीं नहीं ठहरते हैं। मार्फत की अवस्था में चर्चा वाणी नहीं होगी, हकीकत की अवस्था में भी जब तक रहती है तब तक न चर्चा हो सकती है न सुनी जा सकती है, तो जागने का सारा कार्य ठप हो जाता है। इसलिए मिट्टी का वजूद जितना झेल सकता है उतना ही इसको दिया जाता है, नहीं तो कच्चे घड़े की तरह यह फूट जाएगा। तभी तो सजमे सजमे पिलावही की बात सागर श्रृंगार ग्रंथ में बात कही जाती है। आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी 100 रुपये का नोट नहीं देखा है, सोने की अंगूठी नहीं देखी है, बेचारा झोपड़ी में रहता है, भिक्षा मांग करके लाता है, शाम तो जो कुछ मिलता है खा पी लेता है, सो जाता है। अचानक ऐसा समय आ जाए, ये अपना जितना कक्ष है इतने कक्ष में हीरे भर दिए जाएं, कई ट्रक 10 ट्रक हीरे भर दिए जाएं,
और दिखा दिया जाए कि देखो कितने कैसे हीरे हैं, पहले तो वो पागल हो जाएगा कि इतने हीरे मैं तो सोच भी नहीं सकता, और कह दिया जाए कि ये हीरे तुम्हारे हैं, क्या होगा? वो जिंदा बचेगा? बस ये कहानी है संसार के जीवों के लिए है। लेकिन जिस खदान से हीरे निकले हैं, खदान के मालिक को 10 ट्रक का 20 ट्रक दे दीजिए तभी कहेगा कि अभी कम है और ला दो। इसलिए परम धाम की परमात्मा एक बार देखने से तृप्त नहीं होती है। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, नित प्रत्ये आंगंडे उभो। गोपी कहती है कि कन्हा तू प्रतिदिन मेरे आंगन में आकर के बुला बुलाए चले आता है। इसका सूक्ष्म अर्थ क्या होगा? हमारे हृदय मंदिर में प्रीतम पल पल बसा रहता है। जब हमारी नजर इधर से हटकर उधर जाती है तो हमारे हृदय रूपी आंगन में प्रतिदिन युगल स्वरूप की छवि देखने लगती है। हर सुंदर साथ को यह दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, जब हम अपनी आंखें खोलने पर संगे संबंधियों को देखते हैं, माया के रिश्तों को देखकर हंसते बोलते हैं, तो 24 घंटे में एक बार कुछ मिनटों के लिए ही सही युगल स्वरूप का प्रतिनिधिदार करें, तभी हमारा वो दिन सार्थक होता है। और ये जो डराने वाली बात है, ये तो हुआ है कि यदि तुम मुझे घोंसला बनाने के लिए ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा ही घोंसला उखाड़ करके फेंक देंगे, नहीं तो मैं भीग रहा हूँ तुम भी भीगो, अन्यथा इस विचारधारा में कोई भी दार्शनिक सत्य नहीं छिपा है। आप सोचिए, आसिक यानी परम धाम की ब्रह्मात्मा, कोई पहुंचे ना आसिक बिन, ब्रह्मात्मा के सिवा कोई भी राज्य के श्रृंगार को देखने की क्षमता नहीं रखता, युगल स्वरूप को नहीं देख सकता, और उसके द्वारा वर्णन होना इसलिए संभव नहीं हो पाता कि आसिक जिस शोभा में डूब जाए उसको व्यक्त करना उसके लिए संभव नहीं होता। जब बुद्धि की दौड़ होती है तभी कुछ ज्ञान की बातें निकलती हैं, प्रेम में डूबने के बाद तो बेसुधि छा जाती है। वास्तव में जिसने सौंदर्य में डूबना प्रारंभ कर दिया, प्रेम में डूबना प्रारंभ कर दिया, वो तो अपने अस्तित्व को भुला देता है। सौंदर्य का सागर रमण जब कर रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो, आनंद सौंदर्य, उस समय तो बुद्धि अपने होशो हवास खो देती है, तो कैसे बताया जाए कि वो सौंदर्य कैसा है? एक गूंगे से बार बार कहिए कि मुख सम्राट का समझते हैं ना, जो गूंगों का सम्राट हो। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मौनम च एव अस्मि गुह्याम जानवताम अहम्। गुह जान जानने वालों में मौन हूं। जब नदी के का जल जहाँ बहुत गहरा होता है स्थिर हो जाता है, और जहाँ पानी थोड़ा होता है बहुत ज़्यादा उछलता रहता है, जिस दिन आप पूर्णता में पहुँचेंगे कहीं ना कहीं मौन अवस्था आपको घेर लेगी। आप सारे संसार की स्थिति को देख रहे हैं दृष्टा होकर के, किससे बोलें, किससे बहस करें, क्या करें, लेकिन जब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो बहुत उछलने को जी चाहता है। इसलिए जिसने लक्ष्य को देख लिया, सारा संसार जिसका गुणगान कर रहा है लेकिन उसके बारे में जानता नहीं, उसको देखने के बाद उसके हृदय में डुबकी लगाने के बाद दोनों होठ सिल से जाते हैं और बोलना संभव नहीं रहता। इसलिए कहते हैं, वर्णन आसिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आसिक बिन। आसिक ब्रह्मात्मा के बिना कोई प्रीतम के नख से सिख तक युगल स्वरूप की छप का दीदार नहीं कर पाता, और उसके सिवाय कोई वर्णन भी नहीं कर पाता, लेकिन वर्णन करने वाले स्वयं अक्षरातीत हैं। इसलिए महामति जी के तन से वर्णन हो रहा है। आप देखेंगे और आपसे कहा जाए कि आप सुनाओ कैसे राज्य हैं, सपने की बात तो आप सुना सकते हैं कि राज्य आपके अंत चक्षुओं से जब देखा जाएगा तो आप गूंगे बन जाएंगे। आपको कहा जाएगा 1 करोड़ रुपया ले लो, थोड़ा सा बता दो, तो आप मुस्कुरा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलें कैसे, बताएं कैसे कि वो ऐसा सुंदर है। अब बताना चाहेंगे तो राज्य बोलने भी नहीं देंगे। हाँ, यदि आपने ढिठोरा पीट देना है, पहले तो आपको पीटने के लिए बाणी ही नहीं रहेगी, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बताने से क्या होता है, एक नुकसान भी होता है।
पहला नुकसान होगा अहम की वृत्ति का कि देखो मैंने राज्य का दर्शन कर लिया। सुनने वाले जितने सभी होंगे सबका हृदय इतना निर्मल नहीं होगा। किसी के मन में यदि भावना आ जाती है कि राज्य इनको दर्शन दे रहे हैं मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। उसके अंदर विकार पैदा हुआ आपके प्रति, तो वो और ज़्यादा उसका पतन हुआ। आपके अंदर विकार पैदा हुआ अहंकार का, तो आपका नुकसान हुआ, नुकसान दोनों का हो रहा है। हाँ, यदि आपसे कोई कहता है क्या आपको दर्शन होता है, तो आप कहिए गौतम बुद्ध की तरह कि जैसा वाणी में कहा है मैं आपसे कह रहा हूँ। शक्कर कैसे खाई जाती है आप भी खाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको खाने का ढंग बता देता हूँ, और खाने के बाद आपको पता चलेगा मुंह चलाने के बाद उसका स्वाद कैसे होता है। बुद्ध से जब बात पूछी जाती है कि परमात्मा है तो मौन धारण किए हैं, कहते हैं कि परमात्मा नहीं है तब भी मौन, जब कहा जाता है कि भगवान कुछ तो बोलिए वो कहते हैं कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जो मैं मार्ग बता रहा हूँ उस पर चलो और तब स्वयं अनुभूत करो परमात्मा है कि नहीं है, है तो कैसा है, नहीं है तो कैसा है। मैं मार्ग दर्शाने आया हूँ, दार्शनिक बहस में पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, एक बुद्ध का सीधा उपदेश था। अब बात यहीं पर आ जाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे समाज के 90% सुंदर साथमी विश्वास ही नहीं है कि राज्य का दर्शन हो भी सकता है। बड़ी बड़ी हस्तियों में लगभग सभी को विश्वास नहीं है, इसलिए उनके अनुयायियों में भी विश्वास नहीं है कि राज्य को देखा भी जा सकता है। लेकिन वाणी ने क्या कहा, खिलवत की चर्चा हो चुकी है, वाणी की खिलवत की एक चौपाई का भाव है, क्यों रहे दीदार बिन प्राण, राज्य के दर्शन बिना हमारे प्राण क्यों है। हमारे जीवन का तो स्वरूप लक्ष्य ही है राज्य का दर्शन। रू नैनो दीदार कर, रू के नैनों से देखिए, रू जुबाहक सबोल, जैसे हम यहाँ बातें करते हैं अपने संगी संबंधियों से, राज्य से भी साक्षात बातें करें। रू कानों बातें सुने और अपनी आत्मा के कानों से उनकी मधुर आवाज को सुने, यही पट रू अर्श का खोल, तो समझ लेना चाहिए अब हमारे लिए परमधाम का दरवाजा खुल गया है, माया का पर्दा हट गया है। ये तो हमारे जीवन का स्वरूप लक्ष्य है जागने का, प्रत्यक्ष देखें, प्रत्यक्ष बातें करें और उनकी प्रत्यक्ष बातों को सुने। लेकिन यदि हमारे अंदर निराशा के भाव हैं कि राज्य को देखा ही नहीं जा सकता, अभी उस चौपाई में आगे आ रहा है कि कैसे सूरज उगने पर छाया मिट जाती है, लेकिन ये तो बातें तो संसार के लिए, छाया मिटती है क्या किरण मिटती है, सूर्य का तेज क्या किरण को मिटा सकता है, उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि किरण उन्हीं का स्वरूप है। किरण को सूर्य के अंदर प्रवेश करने का अधिकार है, सूरज और किरण में कोई अंतर नहीं है। वहदत की आग में वहदत का स्वरूप नहीं जलेगा, संसार के जीव जलेंगे, इसलिए संसार के जीवों को कहा जाता है कि तुम्हें परमधाम देखने का अधिकार नहीं है। किंतु उन जीवों ने यदि समर्पण की राह अपना ली, प्रेम की राह अपना ली, तो उन्होंने अपने लिए अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो क्या है, दया सिंध है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ए सितार। दया का सागर आए और कहे कि मैं तो नियम से बताऊं मैं दर्शन नहीं दे सकता, तो वो अक्षरातीत क्या, वो भी बंधन में आ गया। आप समर्पण तो कीजिए, आप जीव हैं भले ही हो, जीव तो ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी होता है, जीव पर ही ब्रह्म सृष्टि बैठती है। जब उस जीव को परम धाम का रस मिल सकता है तो कोरे से कोरे जीव को भी मिल सकता है, बशर्ते वो ब्रह्मांगना बने। ब्रह्मांगना बना नहीं जाता, लेकिन समझ ले कि मैं भी ब्रह्म सृष्टि हूँ और मेरा समर्पण उस ब्रह्म सृष्टि के समान है जो परम धाम से आई है, तो उसके समर्पण की भावना से उसको ऐसा अधिकार मिल जाएगा। केवल ईमान लीजिए, विरह लीजिए। जब मैं देखता हूँ संसार के अन्य मत पंथों को लाखों की संख्या में बैठे हुए ध्यान करते हुए, अभ्यास चाहिए, 10 लाख लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। हमारे समाज की स्थिति कितनी दयनीय है, हमारे यहाँ कभी ऐसी घड़ी नहीं आई, नाम नहीं लेना चाहिए,
तीनों पुरियां भी मिलकर 10,000 लोगों को एक साथ नहीं बैठा सकती हैं कि एक साथ बैठकर ध्यान करें। हाँ, 10,000 लोग गरबे खेल सकते हैं, 10,000 लोग परिक्रमा कर सकते हैं, 10,000 लोग नाच सकते हैं, लेकिन चितवन ही नहीं कर सकते। और निराकार को मानने वाले 10,00,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। परम धाम का ज्ञान हमारे लिए आया संसार को में फैलाने के लिए, नख से सिख तक युगल स्वरूप का वर्णन हुआ संसार में फैलाने के लिए। न हमने ग्रहण किया, न दूसरों को ग्रहण करने दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ यही चलता है, केवल नाच कूद चल रहा है, किसी को नहीं कहा जाता कि अरे भाई तो आधे घंटा तो बैठिए, मूल मिलावे का ध्यान कीजिए। हम सेवा पूजा करते हैं तो प्रतिदिन कहते हैं, निस्तिन रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। प्रतिदिन हर मंदिर से आवाज़ गूंजती है कि युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा को देखना है, और उसमें ये चौपाई भी आती है, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ। हम पढ़ते हैं लेकिन जिसके बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में इग्नोर करना कहते हैं। लिखा होगा लिखा होगा, राज्य ने कहा होगा, चौपाई याद है कह देते हैं, चौपाई क्या कह रही है इस पर कोई आचरण नहीं करता। प्रतिदिन मंदिर में स्वरूप पढ़ने वाला पुजारी भी नख से सिख तक की शोभा को ध्यान में नहीं लाता, क्योंकि हमारे अंदर शरीयत का ऐसा नशा रोम रोम में घुस गया है, उसको छोड़कर हम हकीकत की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते। और जब तक हम हकीकत की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, चितवनी की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमें विश्वास कैसे होगा कि हम राज्य को देख सकते हैं। संसार तो निराकार से पैदा हुआ है, वो निराकार से परे की बात नहीं सोच सकता, लेकिन आप तो इस संसार के नहीं हो, आपका दावा है कि परम धाम का है। जब परम धाम के आप हैं, आप परम धाम की प्रियतमा है, तो आपको अपने प्रियतम को देखने का अधिकार क्यों नहीं है। मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ, एक अपराधी जेल में बंद होता है, उससे मिलने के लिए सबको प्रतिबंधित किया जाता है, क्या उसकी पत्नी को भी प्रतिबंधित किया जाता है? वह तो उसकी अर्धांगनी है, फांसी से पहले भी उसका पहला अधिकार होता है, किसी भी स्थिति में पत्नी को रोका नहीं जाता। आप जब परमात्मा है तो काल माया की शक्ति को इतना अधिकार नहीं है कि आपके दर्शन देने से रोक सके, और वो तो कहता है एक बार मुझे पुकारो मैं 10 बार तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम मेरे पास धीरे कदमों से आओगे मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन हम ये सारी बातें अनसुनी कर देते हैं, रूहो रे मेरे मैं रे तुम्हारा आशिक, इसी श्रृंगार में बोला है, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ, वास्ते तुम्हारे कैबित के इश्क सब सुख अंगोप जाऊँ। तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे अंदर इश्क मैं पैदा करता हूँ, तुम्हें मैं चाहता हूँ, मेरे रोम रोम में तुम बसती हो। सारा संसार महिमा किसकी गाता है? अक्षरातीत की। अक्षरातीत किसकी महिमा गाते हैं? लाडलिया लाहौर की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। अक्षरातीत हर पल जिसकी महिमा गा रहे हो, वह कह रही है कि राज्य पता नहीं हमें दर्शन देंगे कि नहीं। ये पता नहीं शब्द कहां से आ जाता है? एक बात बताइए, सिंधी में एक चौपाई आती है, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य लगता है हमसे ज्यादा बिरह आपको सता रहा है। ये हंसी की बात है, हम तो संसार में भी लिप्त हो जाती हैं और आप 24 घंटे हमारे मूल तनों को देख रहे हो और यहां के तनों को देख रहे हो। आप सोच रहे हैं ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, मूल तनों को राज्य ने अपनी छत्रछाया में तो रखा है, यहां के भी तनों पर हर पल उनकी नजर है, हम उनको देखे ना चाहें या न चाहें, राज्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमसे मुंह फेर लें, हम उनसे मुख फेर चुके हैं, फेरते हैं, 100 बार भी बताने पर कहीं ना कहीं मुख फेरते हैं, लेकिन राज्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मुख फेर सकें, नहीं तो उनकी आशिक की जो शोभा है वो छिन जाएगी। यदि राज्य हर पल हमारी शोभा को अपने दिल में ना बसाएं तो उनको आशिक कौन कहेगा?
सागर अपनी लहरों को अपने से फेंक दे तो उसको सागर कौन कहने जाएगा। इसलिए जैसे सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, सूर्य अपनी तेजस्विता को नहीं छोड़ सकता, चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ सकता, फूल अपनी सुगंधी को नहीं छोड़ सकते, राज्य भी हमसे जुदा नहीं हो सकते और हम ही कहें कि राज्य दर्शन ही नहीं दे सकते, तो जैसे सूरज का पश्चिम में उगना असंभव है, उसी तरह से इस कथन का कोई भी महत्व नहीं कि राज्य का दर्शन नहीं होता। लेकिन यह झूठी विचारधारा कितने लोगों को डरा रही है, जब अच्छे वाणी के पढ़ने वाले वक्ता भी कहने लगते हैं कि राज्य को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति देखने का प्रयास ही नहीं करता। हाँ, देखना चाहता है केवल मेहर सागर का गोटा पढ़कर, सेवा पूजा करकर, ऐसे नहीं होगा। आप अपने अंदर प्रेम लाइए, समर्पण के चरम पर पहुंच जाइए, शरीर और संसार से परे हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को समाप्त कर दीजिए। संसार को देखना बाहर से अंदर से दोनों से बंद कर दीजिए। जब संसार का पर्दा हट जाएगा तो पर्दे के हटने के बाद तो प्रीतम ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा के जीव के हृदय पर जो संसार का चित्र उभर रहा है, आपकी आत्मा जब उस चित्र को देखना बंद कर देगी तो सीधे राज्य को देखेगी, उसे अपने धाम हृदय में प्रीतम का दीदार होगा। इतनी सी सरल फिलॉसफी थी, सीधा साधा मार्ग था, न खेचरी मुद्रा साधनी थी, न जालंधर बंद लगाना था, न नेति धोती बस्ती त्राटक कपाल भाति करना था, कुछ नहीं करना था। आपको अपने ऐसी कमरे में कोमल गद्दे पर बैठकर अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ खाते हुए भी आपको केवल एक दो घंटे प्रेम से अपने प्राणेश्वर को पुकारना था, न वन में जाना था, न हिमालय की गुफा पकड़नी थी, न नदियों के किनारे जाना था। इतना सीधा साधा मार्ग और फिर भी सबसे हटा दिया गया। सबसे अधिक मुझे कष्ट इसी बात का है कि आखिर इस समाज से चितवनी की प्रक्रिया क्यों हटाई गई, 300 सालों में ये बात क्यों नहीं कही गई। वितक में इस संदर्भ दिया गया है, अज्ञानी जलो रहे तो लो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। लाल कहे अंग ठरे का तात्पर्य है अंग शीतल हो गए कि अब क्या करना चितवनी। आप सोचिए 1745 तक 11वीं सदी होती है, भाव क्या है 1751 तक, श्री जी के अंतर्ध्यान होने तक दोनों समय चर्चा चितवनी चलती है, दोनों समय राज्य का युगल स्वरूप का 25 पक्षों का ध्यान कराया जाता है। अंतर्ध्यान होते ही चितवनी सब बंद, ज्ञान का प्रकाश चल गया। तीसरे श्रेष्ठ विष्णु सौ वर्ष 1745 से 1775 तक 30 साल तक ईश्वरी शिष्ट का राज्य रहा, यानी ज्ञान की प्रधानता हो गई, केवल पढ़ो पढ़ो, कुछ बंदगी कर लो। उसके पश्चात वो भी समाप्त, जीव शिष्ट का जब राज्य हुआ उसने ज्ञान को भी किनारे कर दिया, न चितवनी न चर्चा, एक औपचारिकता पूरी होती रही और शरीयत को थोप दिया कि आपको पांचों वक्त आरती करनी ही पड़ेगी, चरणामृत प्रसाद लेना ही पड़ेगा, गले में माला पहननी ही पड़ेगी। अब उनके लिए तो कठिन है ही, उनके लिए तो राज्य का दर्शन एक असंभव सी बात है, क्योंकि शरीयत जहाँ होगी वहाँ हकीकत नहीं होगी, और बिना प्रेम के राज्य का दीदार कैसे होगा। बिना विरह में तड़पे हुए अपने हृदय को आंसुओं से भिगोए, अपने हृदय की पीड़ा को आंसुओं से भिगोए बिना प्रीतम का दीदार किसने पाया है। कितनी बार सूफी फकीरों ने, अनेक संतों ने, कबीर जी ने विरह की अवस्था का वर्णन किया है कि आंखें विरह में प्रीतम को निहारते निहारते सूनी हो गई। आप सोचिए विरह की ऐसी भी तो अवस्था होती है जब आंखें सूनी पथराई आंखें किसी को खोज रही होती हैं, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, उस अवस्था में न माला का जप हो सकता है, न कुछ पाठ हो सकता है, अंतरात्मा किसी को देखना चाहती है। चितवनी में भी आंतरिक रूप से जब ऐसा हो जाए तो आपका प्रीतम आपके सामने क्यों नहीं आएगा। पहले ही कह दिया क्यों बरनु हक सूरत ऐस अब लोग कहें नकिन,
ऐसे संसार में मुझे नक्ष सिक तक परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना पड़ता है जो संसार इसके लिए योग्य ही नहीं। आप बौद्ध विचारधारा को देखिए जिसमें यह माना जाता है कि न आत्मा है न परमात्मा है। आज कल साइंस के नाम पर ऐसी निरीश्वरवादिता परमात्मा के अस्तित्व का न मानना चल रहा है। जब विज्ञान का युग नहीं था इसके पहले भी हजारों वर्ष से एक विचारधारा चल रही थी जो बृहस्पति ने चलाई थी। बृहस्पति एक नास्तिक था, उसकी शिष्य परंपरा में हुआ चरवाक, और उसने जानते हैं क्या कहा है, न आत्मा है न परमात्मा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। नई पीढ़ी ने भी यही रट लिया है, जब तक जीवो मस्ती से जीवो, किसने परमात्मा को देखा है, किसने आत्मा को देखा है। चरवाक सीधे कहता है न आत्मा है न परमात्मा है, ये तो आलसी लोगों ने आत्मा और परमात्मा की बातें कहकर सबको भटका रखा है। चाइना में जाइए आप परमात्मा के बारे में बताइए तो लोग हंसी उड़ानेंगे, रूस में जाइए हंसी उड़ाएंगे, हाँ यदि अरब की धरती पर कुछ बोलेंगे अरबी में नहीं बोलकर हिंदी में बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा कि आप अरबी के अतिरिक्त दूसरी जबान में बोलने के अधिकारी नहीं है। ऐसी दुनिया में नक्ष से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का कैसे वर्णन किया जाए। और हमारे पास तो राज जी ने अनमोल थाती दी थी कि हम इस ज्ञान को संसार में फैलाते। हम हिंदुस्तान में भी हठयोगियों से कहते, विपस्ने वालों से कहते, राजयोग वालों से कहिए कहते। अब देखिए ब्रह्मा कुमारी वालों ने दुनिया के कई दर्जन देशों में अपनी विचारधारा को फैला दिया है, और वो करते क्या है, एक ज्योतिर्बिंद पर मन को एकाग्र करना। हजारों बहनें एक साथ निकली और सबको, भले ही उनको ध्यान नहीं लगता है, ध्यान की प्रक्रिया में वो विद्यार्थी हैं, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको तो राज्य ने PhD का कोर्स देकर भेजा था। संसार वालों के पास तो 8वीं से ऊपर का ज्ञान नहीं था, आपको सारा ज्ञान दिया गया। संसार निराकार से पार नहीं हो सकता था, आप तो कुत निराकार के पार का ज्ञान दिया गया था, लेकिन आपने 300 वर्षों से उसको छिपाए रखा। और आज भी कह रहे हैं कि यदि तुम ध्यान करोगे तो राज्य आ जाएंगे, तो तुम मर जाओगे। तो हमसे अच्छे तो बाली हैं, वो राक्षस हैं। मरते समय बाली से भगवान कहते हैं कि बाली मैं चाहता हूँ कि तुम शरीर को जीवित रखो। बाली कहता है कि हे भगवान, बड़े बड़े योगी यति भी मरते समय आपको देख नहीं पाते, और आप मेरे सामने हो तो इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है, आप सोचिए। और आप तो परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं, डर के मारे सोचते हैं कि मैं मरूं नहीं भले ही राज्य न मिले। आप मृत्यु से कितना भी भागेंगे, जब समय आएगा तो मृत्यु आकर आपको ले जाएगी। आपके माता पिता, आपके संगे संबंधी आपको बचा नहीं पाएंगे, तो पहले सोचिए कि जब मरना है ही तो राज्य को पाकर ही क्यों ना मरे। और ये सोच लीजिए कब न हुआ है न होगा। अभी जो बात चल रही थी कि भाव सिंह की बात, भाव सिंह नहीं मरता, यदि कुछ दिन के बाद कहा होता कि धाम धनी आप जब उचित समझिए अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दर्शन करा दीजिए, तो भाव सिंह की किसी भी स्थिति में मृत्यु नहीं होनी थी। वो जिद कर बैठा कि नहीं मुझे तो देखना ही है, मैं तभी तलवार उठाऊंगा। जब समर्पण कर दिया तो जिद करने का कोई औचित्य नहीं होता, और इसी गुनाह के कारण भाव सिंह की मृत्यु हुई, अन्यथा भाव सिंह कभी नहीं मरते। हक जाहिर क्यों हो वही, कह रहे हैं यदि किसी ने देखा है तब तो बताएगा कि राज्य का स्वरूप कैसा है। हक जाहिर क्यों हुए, उस अक्षरातीत की शोभा को इस संसार में भला कैसे कोई बता सकता है कि मैंने देखा है और राज्य ऐसे हैं। देखते ही उड़े तन, ये ब्रह्मात्माओं के लिए नहीं है, ये संसार के जीवों के लिए है। जैसे मैंने कहा उस दिन कि जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में सुगंधित पदार्थों की आहुति डाली जाती है, जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध हों, वातावरण शुद्ध हों, इसको क्या कहते हैं, गोमेद यज्ञ। इसका उल्टा अर्थ क्या करते हैं, गाय काटकर अग्निकुंड में हवन कर दो,
उसको कहते हैं गोमेद जाति। सुगंधित पदार्थ डालने के लिए लिखा है, गाय का मांस डालने के लिए नहीं लिखा है। देखत ही उड़े तन, किसका तन उड़ेगा? कोरे से कोरे जीव का। आगे की चौपाई कोई नहीं पढ़ता कि आगे की चौपाइयों में क्या लिखा है, और भोले भाले सुंदर साथ को बता दिया जाता है, देखो लिखा है ना कि जो देखेगा, देखत ही उड़े तन, एक चरण को दिखा दिया जाता है, और सुंदर साथ डर जाता है कि मैं जैसे ही देखूंगा मेरा शरीर छूट जाएगा, फिर हमने तो माया अच्छी तरह से देखनी नहीं। राज्य को भले ही देखने को मिले न मिले, माया अच्छी तरह से देखने, इसलिए जिंदा रहे। यही कितनी बड़ी भूल है, और इसी भूल का नतीजा एक बार बताइए, जो आपको दर्शन देने के लिए तड़प रहा है, आप देखने के लिए उतना नहीं तड़प रहे हैं जितना कि दर्शन देने वाला तड़प रहा है। ऐसे राज्य में तड़प शब्द राज्य के लिए नहीं कहे जा सकता, क्योंकि राज्य पूर्ण है, और जो पूर्ण होता है न वो व्याकुल हो सकता है, न तड़प सकता है, न रो सकता है, किंतु प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ये भाषा कही जाती है। या कहने का भाव क्या है, आप जितने व्याकुल हैं दर्शन पाने के लिए, राज्य का प्रेम आपसे हजारों गुना व्याकुल है आपको दर्शन देने के लिए। आप देखिए, परमधाम का सुंदर साथ तो अपने अपने घरों में आराम कर रहा था, और महामती जी के धाम हृदय में जो अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है, महामती जी के तन को चैन से कभी बैठने नहीं दे रहा है। वह तन कभी उदयपुर है, कभी मंदसौर है, कभी औरंगाबाद है, कभी रामनगर है, कभी अरब में है, पैदल चल रहे हैं, धूप शीत वर्षा के कष्ट झेल रहा है, जो भिक्षा में मिल गया उसी को खा रहा है, और जिनको जगाने जा रहा है वो तो घरों में आराम कर रहे होते हैं। वो तन भी आराम कर सकता था, लेकिन उसको चैन कहाँ है, क्योंकि उसकी ब्रह्मात्माएं जब तक माया में भटकती रहेगी वो उनको अनदेखा नहीं कर सकता। आसिक दर्शन देने के लिए चल रहा है, पहचाना किसने? महाराजा छत्रसाल जी ने। तभी तो कहा, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। मेरे घर कोई मेरा गुरु नहीं आया है, भगवान नहीं आया है, शिव शंकर सनकादि आदि की इच्छित शेष न पाए पार। शेष सनकादिक जिसका पार नहीं पा सके, जो अक्षर से भी परे पूर्ण ब्रह्म है, वो मेरे घर चल करके आए। छत्रसाल जी ने पहचाने की, उनकी अंतर्दृष्टि खुली, और जो साथ साथ चल रहे थे उन्होंने भी नहीं पहचाना। मुकुंददास जी को पहचान होती है पन्ना जी में जाने के बाद, पन्ना जी से पहले मुकुंददास जी पहचान नहीं पाए थे, इसलिए दिल्ली से छिप करके चले आए थे कि कौन इस झंझट में पड़े, और उदयपुर में आकर के जागनी करने लगे थे। जब श्री जी उदयपुर पहुँचे तो जितना पैसा कमाया था वो भी छिपाए रखते थे कि कहीं सारा ना दे देना पड़े। कितनी बड़ी हंसी हुई होगी। और वही मुकुंददास जी को जब पहचान होती है तो बिलक बिलक कर रोते हैं। जब श्री जी का अंतर्धान हो जाता है, कुछ कड़वाहट बढ़ जाती है महाराजा छत्रसाल जी से, तो वही मुकुंददास जी कहते हैं कि जाऊं महाराज कहाँ शरण तज, जाऊं कहाँ महाराज। धामधनी, मैं 25 वर्ष की आयु में आपके शरण में आ गया था, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये व्यथा है उस नवरंग स्वामी की आत्मा मुकुंददास जी की, वही नवरंग बाई की आत्मा जो अपने प्राणेश्वर को नृत्य से रिझाया करती है, माया का तन पाती है तो स्वयं को भूल जाती है कि मैं नवरंग बाई हूँ। उसको पैसे का मोह है, रेशमी साल दो सालों का मोह है, और यही मोह उसको भटकाए रखता है। हम सुंदर साथ के साथ भी कहीं ना कहीं ये बात हो रही है। हमारा मोह का बंधन इतना मजबूत हो जाता है कि हम अपने आराध्य को, अपने सर्वेश्वर को, अपने प्राण बल्लभ प्राण प्रीतम प्राणेश्वर को समय नहीं दे पाते। समय क्या, समय थोड़ा दे भी देते हैं तो दिल नहीं देते। यदि हम अपना दिल दे दें, समर्पण में परिपक्व हो जाएं, प्रेम के रस में डूब जाएं, एक पल भी देर नहीं लगेगी राज्य का दीदार होती। हर सुंदर साथ को अधिकार है, और जैसे जैसे चितवनी का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, समझिए जागनी का प्रकाश तभी फैलेगा। चितवनी से किनारे होकर यदि कोई कहता है कि मैंने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भूल में है।
जिसकी वाणी का आप गायन कर रहे हैं, जिसकी वाणी को आप पढ़ रहे हैं, जिसकी वाणी पर आप व्याख्यान दे रहे हैं, उसको आप देखे ही नहीं, तो आपको सुहागिन कहलाने का अधिकार क्या है? यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं जो इनमें शादीशुदा है, यानी जिनका विवाह हो चुका है, उनसे मैं पूछूं क्या आपने पति को देखा है, तो क्या उत्तर देंगी कि राजन समीत तुम पागल हो, बिना देखे ही हमारा विवाह हो गया। तो या तो आप ब्रह्मसृष्टि कहलाना बंद कर दीजिए, या ये कहिए कि हमें शरीर छोड़ने से पहले राज्य को अवश्य देखना है, ये तो हमारा जन्मजात अधिकार है, किसी के डराने से डरने की आवश्यकता नहीं है। राज्य मृत्यु के संदेश लेकर नहीं आएंगे, अमृत्व का संदेश लेकर आएंगे। और पहली बात तो ये है कि जो अपनी आत्माओं से अपने से अनंत गुना प्रेम करता है, वो सामने आने पर क्या मरने देगा? आप सोचिए, शाहजहानपुर पौड़ी का किस्सा देखिए, मलकुल मौत झलुबिया बीतक में वर्णन आता है, गरीब दास जी को मौत, साक्षात मौत आती है। श्री जी ने अपनी नित आंखों की दृष्टि उनमें गड़ाई, कहा कि गरीब दास तुम मेरी तरफ देखो, और मौत तड़प तड़प कर रह जाती है, गरीब दास जी के प्राणों का हरण नहीं कर पाती है। जिस अक्षर ब्रह्म का दर्शन से यदि मृत्यु को जीता जा सकता है, साक्षात अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा हो, उनकी आंखों के सामने मृत्यु कैसे हो सकती है? लेकिन सुंदर साथ को इतना विश्वास हो तब तो, अब छठे दिन की लीला चल रही है, उस समय तो सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी थी, उनके लिए क्षमा था, आपके लिए क्षमा नहीं होगा, क्योंकि आपको सागर श्रृंगार की चर्चा सुनाई जा चुकी है, सागर श्रृंगार की टीका दी जा चुकी है, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया जा चुका है। पांचवें दिन की लीला में जो सुंदर साथ था, केवल पन्ना में जाने के बाद ये सौभाग्य प्राप्त किया, आपको तो घर बैठे बैठे सारा धन मिल रहा है, और फिर भी आप कहते हैं कि हमको राज्य का दर्शन नहीं होगा, इसके लिए दोषी कौन है? आप हैं। छठे दिन की लीला में ज़्यादा कठोरता है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे छठे दिन की लीला में सुविधा दी गई है, वैसे ही छठे दिन की लीला में ज़्यादा करके दिखाने का अवसर है आपको। जैसे आप जितने सुंदर साथ हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर की है, अपने बचपन के दिनों को याद करें, तो वो लकड़ी की पट्टी पर पढ़ा करते थे प्राइमरी की क्लास में, जमीन पर, और खड़िया से लिखा करते होंगे। मैं भी उन स्थितियों से गुजरा हूँ। आज की नई पीढ़ी के पहली क्लास के बच्चे को कापी कलम पकड़ा दी जाती है, आज से 50 साल पहले तो स्लेट और लकड़ी की तख्ती पर ही खड़िया घोल करके लिखा जाता था, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि। तो उस जमाने में जो पढ़ाई होती थी और आज के युग में जो पढ़ाई होती है, दोनों में अंतर है। आज के बच्चे से ही अपेक्षा की जाती है 12 साल की अवस्था तक आते आते कि उसने 95% नंबर लाया कि नहीं। उस समय तो ऐसे ही जवानी पास कर दिया जाता था, कोई जांच भी नहीं करता था कि तुम्हारे अंक कितने हैं, कक्षा में आकर बैठते हैं, बिना परीक्षा के भी सब पास हो जाते थे। वो पाँचवें दिन की लीला थी। आप मेरे कहने का ऐसा आप ये मत समझिए, पाँचवें दिन की लीला में जो रहे उनसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि महामती जी के धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप लीला कर रहे हैं, उनसे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। और उन ब्रह्म मुनियों के चरण कमल जहाँ पड़ गए, वहाँ की धरती पवित्र हो गई। लेकिन उनको तो वह सुविधा नहीं मिल पाई जो हमें मिली है, जैसे चाहे लालदास जी हों, चाहे मुकुंददास जी हों। पन्ना में जाने के बाद ही तो खिलवत उतरी, परिक्रमा उतरी, सागर उतरा, श्रृंगार उतरा, सब कुछ उतरा। और हमें तो जन्म होते ही 10 साल की उम्र से हमें इस खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है। जिस दिन हम तारतम लेते हैं, पूरी वाणी की एक नहीं कितनी टीकाएँ आपको दे दी जाती हैं, एक एक चीज़ समझा दी जाती है। जब लालदास जी, भीम भाई सभी 50 से ऊपर के हो गए होंगे जब खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी उतरी तो, और आज 15 वर्ष के बच्चे को वो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और यदि उम्र के 25 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं हम दंड के पात्र हैं कि आज तक सृष्टि में किसको नहीं मिला, पांचवें दिन की लीला में रहने वालों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला। जितना समय हमें मिल रहा है, अवसर हमें मिल रहा है, हम अपने हृदय की कठोरता को दूर करें और प्रीतम की छवि को निहारने का प्रयास करें तो हमारे लिए कोई भी असंभव बात नहीं हो सकती है। यदि हम दृढ़ संकल्प कर ले, कभी मैंने इस तथ्य का उदाहरण दिया है, हिमालय को देखकर लोग दहल जाते थे कि एवरेस्ट को पार कौन करेगा। कभी अल्पस को किसी ने पार करने का साहस नहीं किया था, लेकिन शेरपा तेन सिंह हो, नेपोलियन हो, सभी ने कहा कि ये क्या है, एक पहाड़ मुझे चुनौती देगा। नेपोलियन अपनी पूरी सेना के साथ पार कर जाता है, आज तक उसके पहले कोई भी अल्पस के शिखरों को पार नहीं किया था। दृढ़ संकल्प से असंभव से संभव हो जाएगा। आप भी सोचिए, आप परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं, आप नकारात्मक विचारधारा से स्वयं को दूर कीजिए और उस तरह की बात करने वालों के सामने आने पर अपने कान में रुई डाल लीजिए। या तो आपके पास साहस हो सत्संग करने का तो उनको भी समझाइए कि किस चौपाई में लिखा है कि राज्य को नहीं देखा जा सकता। यदि आप इतना साहस नहीं रखते तो अपने पॉकेट में रुई का फुआ रखा कीजिए, जब देखिए कि ये वहाँ से आ रहे हैं तो रुई कान में डाल लीजिए, वो बोलते रहें और आप सुनते रहें, उनकी विचारधारा को सुनने सुन करके किनारे करने का ही एक रास्ता है। लेकिन दृढ़ संकल्प बनाइए, राज्य आपके हैं, आपके प्राणेश्वर हैं और आप भी उनकी ब्रह्मात्मा हैं, प्राणेश्वरी हैं, अर्धांगनी हैं, आपको देखने का पूरा अधिकार है। जब तक तन रहे अवश्य प्रयास करते रहिए, निश्चित है कि छूटने से पहले एक बार आपको अवश्य दर्शन होगा। अब मेरा समय पूरा होता है, अभी कार्यक्रम काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ कि कल तो सुंदर साथ यहाँ से विदा हो जाएंगे, लेकिन इस दृढ़ संकल्प को लेकर जाएं, ऐसा कोई भी दिन न जाए जिस दिन हमने राज्य की विरह में कुछ आंसू न गिराए हों चितवनी में। अपने हृदय का प्रेम बढ़ाइए, जितनी व्याकुलता से आप देखना चाहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ राज्य उससे हजार गुना आपको दर्शन देने के लिए बेताब है। दोष आपका है, राज्य का नहीं। अब छुपाए तो रहे, देखत ही उड़े तन, वर्णन आशिक कर न सके, और कोई पहुंचे न आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़े तन, देखत ही उड़े तन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।